उस स्टूडेंट ये पढ़ने के बाद उस सरस्वती पूजा में खड़ा होता है तो हम कॉलर पकड़ के उसको खींच के नहीं लेके आएंगे कि नहीं आप वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। नारे लगाती है उनके मुंह पे और वो ये बताती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं एक लड़की जो इतनी केपेबल है आप उसको लिबरेट करेंगे जस्ट बिकॉज उसने बुरखा पहना हुआ है। और देखिए जैसा कि मैंने बोला ये सोलली चॉइस का बात है, कोई बुरखा पहनना चाहता है वो बुरखा पहने, जींस पहनना है जींस पहने, बिकनी पहनना है बिकनी पहने, ठीक है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि लोगों के कपड़ों से उनको पहचाना जा सकता है, तो वो किस पर बात है? मुद्दा हिजाब नहीं है, मुद्दा जींस नहीं है, मुद्दा स्कर्ट नहीं है, मुद्दा साड़ी नहीं है, मुद्दा है कि आप किसी भी ड्रेस कोड से आप विमेन को एजुकेशन डिनाई नहीं कर सकते। जब इस कैंपस में सरस्वती पूजा होती है, ठीक है, तब तो आपको नहीं लगता कि नहीं नहीं ये तो सेक्युलर है, आप क्यों आप प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो जिन महिलाओं को आप सो कॉल्ड लिबरेट करने की बात करें उन महिलाओं ने आपकी बैंड बजा दी, आपके सरकार की बैंड बजा दी, तो उसी चीज़ का आप बदला निकाल रहे हैं। तो कर्नाटक में जो बुरखा है वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी आए थे इस चीज़ के लिए कि यहाँ जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे कैंपस रीओपनिंग को लेके, लेकिन कुछ यंगस्टर्स हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे, खासतौर से जो यंग स्टूडेंट्स हैं फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनसे इस बारे में बात करेंगे कि जो कर्नाटक में चल रहा है, जैसे उडुपी में जो घटना हुई उसके अलावा कर्नाटक में एक और घटना हुई, उन दोनों घटनाओं को लेकर इनकी क्या राय है जो इसके सपोर्टर्स हैं कि बुरखे को बैन किया जाना चाहिए, कैंपस में बुरखा नहीं होना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बहुत रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव देखिए ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, अगर कोई भी ड्रेस कोड किसी भी महिला पे थोपा जाता है मतलब वो अपनी चॉइस से नहीं पहन रही है तो वो रिग्रेसिव है और हम उसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई महिला अपनी चॉइस से कोई ड्रेस कोड पहनती है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है, वो रिग्रेसिव नहीं है। और जो उसको फोर्स कर रहा है वो ड्रेस ना पहनने के लिए वो इंसान वहाँ पर रिग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर बात है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। हमारा समाज एक पेट्रियार्कल समाज है, हम इसको जानते हैं, और महिलाओं पर चीज़ें थोपी जाती हैं। तो अगर आपको लड़ना ही है तो आप पेट्रियार्की से लड़िए ना, जो विक्टिम है पेट्रियार्की का आप उससे क्यों लड़ रहे हैं। जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर बुरखा चॉइस है किसी का तो फिर जो घूंघट है वो भी महिलाओं का चॉइस होना चाहिए, तो घूंघट को एक पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग डिफेंड नहीं करते, वो उसको रिडिक्यूल करते, लेकिन जैसे ही बुरखे की बात आती है वो उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। पहली बात जैसा कि मैंने बोला कोई भी ड्रेस कोड किसी महिला पे अगर थोपा जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने फोर्स किया किसी को कि तुम घूंघट पहनो, तुम घूंघट नहीं पहनोगे तो तुमको मारा जाएगा, तुमको समाज में विलीफाई किया जाएगा, तुम बुरखा पहनो नहीं पहनोगे तो तुमको विलीफाई किया जाएगा, तो वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ है। जब फ्रांस में मास लेवल पर बुरखा बैन किया था उसके खिलाफ इंडिया के यंगस्टर्स ने बोला कि अगर आप फोर्सफुली किसी को बैन करे तो हम उसके खिलाफ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि इंडिया में किसी को उसकी आइडेंटिटी की वजह से ये बोला जाता है कि तुमको मुस्लिम नहीं दिखना है, क्योंकि अगर तुम मुस्लिम दिखोगे तो हम तुम पे अटैक करेंगे, तुमको अगर इस देश में रहना है तो तुमको हमारे जैसा दिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो इंसान वो बुरखा पहन के अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं बिल्कुल बोलूँगी, ये पर्टिकुलर जो UDP में इंसिडेंट हुआ है वो लड़की है मुस्कान, और जो लोग वहाँ पे सैफरन गमछा पहन के जिन्होंने उसे हैकल किया उनका ये बोलना है कि हम महिलाओं को ट करना चाहते हैं बुरखे से। वो लड़की मुस्कान, वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैं तो कह रही हूँ कि उसको हैकल नहीं किया गया, वो पूरी बात कोई बता नहीं रहा, पूरी बात मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की स्कूटी से आती है, वो लड़की ड्राइव करती है खुद से, वो कैंपस आती है परफेक्टली, अपना स्कूटी पार्क करती है, एकदम करेज के साथ चलती है। कुछ 20-30 लड़के आते हैं, बदतमीज लड़के, उसको हैकल करने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा नारे लगाती है उनके मुँह पर और वो ये बताती है कि मैं तुमसे डरती नहीं, ठीक है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं एक लड़की जो इतनी केपेबल है आप उसको लिबरेट करेंगे जस्ट बिकॉज उसने बुरखा पहना हुआ है। जैसे सेंटर और लेफ्ट की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये पूरे ट्रिपल तलाक के इशू को भी मतलब बुरखे की तरह नहीं समझ पाए। जैसे शाहबानू का जो केस था जब उसको ओवरटर्न कर दिया गया पार्लियामेंट में, राजीव गांधी ने किया, और अभी जब एक सरकार है केंद्र में जो इसके लिए कानून लेके आती है और इसको इलीगल बनाती है, तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल उठता है कि जो सेंटर और लेफ्ट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो कहाँ पे थी उस वाले टाइम पे। वही सवाल अभी भी मतलब जिसके प्रोपोनेंट्स हैं वो उठा रहे हैं कि मतलब बुरखे को लेके भी मतलब जो आइडियोलॉजिकल या अंडरस्टैंडिंग है उसका मिसप्लेसमेंट है। आप सही मानती हैं इसको? देखिए सबसे पहले सवाल को समझने के लिए हम लोग को हिस्टोरिकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो जब से सरकार ये आई है इस देश में तब से वो कोई वास्ते अनअवेयर नहीं है कि वो मुस्लिम्स को अटैक कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। अगर सरकार इतना प्रोग्रेसिव बात करने अपने आप को इतना प्रोग्रेसिव मान रही है तो अगर आप मतलब ये बहुत मेन चीज़ है कि जब लिंचिंग होती है आप तमाम लॉज लेकर आते हैं, आप ट्रिपल तलाक के खिलाफ लॉ, आप कल को आप हिजाब के खिलाफ भी लॉ लेके आएंगे, लेकिन जब इस देश में
सड़क पर लिंचिंग हो रही है, मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जस्ट बिकॉज व्हाट दे ईट एंड व्हाट दे नॉट। अगर मैं सही समझूं तो आप ये कहना चाह रही है कि हिजाब वाला इंसिडेंट एक्सेप्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो पिछले 7-8 यही करेगा आप। Exactly, ये जो पूरे तरीके से आप धीरे धीरे देखिएगा, मतलब सरकार को पूरे देश में से एक 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 रिलीजियस ग्रुप मिलता है जिसको उसको लगता है कि अच्छा नहीं, उसको लिबरेट करने की कोशिश करते हैं, उसका अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, हम ट्रिपल तलाक हटा देंगे तो वो अपलिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, ट्रिपल तलाक से लेकर आज हिजाब की बात है, इसके पीछे एक रीजन है पेट्रियार्की। आप ये बताएंगे कि विमेन को, मतलब ये समाज ही, पूरा समाज ही ऑब्जेक्टिफाई करता है अगर विमेन ज़्यादा पहन रही है या विमेन कम पहन रही है, राइट? तो आप तब कहाँ चले जाते हैं जब देश में उसी नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है। ये बॉडी कंट्रोल है वैसे या नहीं है, बुर्का बॉडी कंट्रोल है? देखिए, आप ये बात नहीं कर सकते ना कि मैंने ये जीन्स पहना है, मान लीजिए कल को वो लोग जीन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि जीन्स अलाउड नहीं है, तो इसका कंटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा ना। मियरली बाय लाइक आप ड्रेस कोड से आप चीज़ें समझ रहे हैं, आप आज बात सिर्फ हिजाब की हो रही है, लेकिन उसका पूरा, आज जैसे कि सलोनी ने बताया, उसका पूरा आप देखेंगे तो वो एजुकेशन को डिनाई किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा हिजाब नहीं है, मुद्दा जीन्स नहीं है, मुद्दा स्कर्ट नहीं है, मुद्दा साड़ी नहीं है, मुद्दा है कि आप किसी भी ड्रेस कोड से आप विमेन को एजुकेशन डिनाई नहीं कर सकते। वो उसका राइट है, वो किसी भी लीगल राइट है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी भी तरीके के कपड़े को पहनकर यूनिवर्सिटी स्पेस में आ सकती है और अपनी एजुकेशन ले सकती है। उडुपी में मान लीजिए हिजाब पर बात हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर जो है वो बोलते हैं कि आप शॉर्ट स्कर्ट मत पहन के आइए। किसने बोला है? प्रोफेसर ने बोला है कि आप बाल खोल। ऑन रिकॉर्ड है कहीं पे, मतलब कोई सर्कुलर ऑर्डर है या वर्बल? टीचर ने क्लासरूम में कोई एंटर कर दिया तो आप बाल खोल के मत आइए। थोड़ा सा हियर से हो गया, लेकिन खैर, मतलब आई कैन गिव, ये हियर से, ये रियलिटी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि ये हियर से नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि स्टिल आई एम रेडी टू गिव इट टू यू, क्योंकि मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब एक डिबेट करवाई तो वहां ऐसा एक प्रॉपर सर्कुलर आया था, तो आई नो कि मतलब देश के यूनिवर्सिटीज में उसके खिलाफ वहां लड़कियों ने लड़ाई भी की। एग्जैक्टली, और ऐसा है क्या कि मतलब जो पेट्रियार्की है वो ये नहीं तय कर पा रही कि लड़कियों को कितना ढकना है या कितना कम पहनने देना, यह है क्या? हक किसने दिया तय करने का? सवाल तो यही है कि उनको हक कौन देता है कि लड़कियां क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी और कितना वो पहनेंगी जिससे उनको एजुकेशन का राइट मिलेगा और कितना नहीं पहनेंगी जिससे उनको एजुकेशन डिनाई किया जाएगा, ये हक उनको किसने दिया? और एक लार्जर क्वेश्चन ये रहेगा, मतलब उसको आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर करना पड़ेगा कि मतलब ये जो है एक लिबास है ना, वो रिग्रेसिव है या नहीं, ये इसको एक बार तो ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर करना पड़ेगा। ये वही बात है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का एक डायलेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होता है, एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसका एक ही जवाब है, CNRC के मूवमेंट में यही महिलाएं जिन्होंने बुरका पहना था उन्होंने CA के मूवमेंट को लीड किया और ये बोला कि ये सिर्फ एक एंटी मुस्लिम लॉ नहीं है, ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो जिन महिलाओं को आप सो कॉल्ड लिबरेट करने की बात करें, उन महिलाओं ने आपकी बैंड बजा दी, आपके सरकार की बैंड बजा दी, तो उसी चीज़ का आप बदला निकाल रहे हैं। देखिए, जो सरकार नफरत इतना फैला रही है वो प्यार से तो डरेगी ही ना, क्योंकि उसके तो वोट बैंक ही नफरत के नाम पर चल रहा है, आप समझ रहे हैं? आप जो जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि लोगों के कपड़ों से उनको पहचाना जा सकता है तो वो किस पर बात है, ठीक है? अमित शाह जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बटन दबाइए तो शाहीन बाग में करंट लगेगा, तो ये जो तरीका है, ये तरीका यही है कि आप हमेशा से कोशिश करेंगे कि कैसे मुस्लिम्स को अटैक किया जाए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आज हिजाब की बात हो, कि उनको एजुकेशन भी मत दीजिए, उनको नौकरी भी मत दीजिए। अभी हम भयानक पोलराइज्ड टाइम में जी रहे हैं ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इसको देख रहा होगा तो वो मतलब इस तरीके से, अगर उसका पॉलिटिकल लीनिंग किसी एक टूवर्ड्स है तो उसको इस तरीके से भी देख सकता है कि तीन महिलाएं जो कि सूट या जीन्स में हैं वो बुरखे को डिफेंड कर रही हैं। तो ये सिर्फ तीन महिलाएं नहीं है, ये तीन देश के नागरिक हैं जो कि किसी एक दूसरे नागरिक का अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहनने के राइट को डिफेंड कर रहे हैं, उसके राइट टू एजुकेशन को डिफेंड कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। आर्टिकल 25A(1) में ये लिखा हुआ है कि हर एक सिटीजन को अलाउड है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, उसे एक्सरसाइज कर सकता है, जब तक उसकी वजह से कोई कम्युनल हेट्रेड नहीं पैदा हो रहा है। और लड़कियों के कैंपस में बुरखा पहनने से किसी भी तरह का कम्युनल हेट्रेड पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है? और देखिए, जैसा कि मैंने बोला, ये सोलली चॉइस का बात है, कोई बुरखा पहनना चाहता है वो बुरखा पहने, जींस पहनना है जींस पहने, बिकनी पहनना है बिकनी पहने, ठीक है? है, इतनी आज़ादी है लड़कियों को खासतौर से, मतलब तो छीन के ले लेंगे, ठीक है? हम लोग छीन के आज़ादी लेंगे और आज़ादी हमें कोई देगा नहीं, आज़ादी हमारा बर्थ राइट है, ठीक है? और हम तो यहाँ नारा भी लगाते, छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, प्यारी प्यारी आज़ादी, ठीक है? तो ट्रेडिशन लग जाता है, ट्रेडिशन लग जाए कोई बात नहीं। देखिए, बात यह है कि या तो हम जिंदा रहे इंसानों की तरह लड़ रहे, या तो रोबोट्स की तरह जीवन काटे। आपने जो सवाल, आखिरी सवाल पूछा, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सवाल नहीं है, अभी जितने पोलराइज्ड, नहीं सबका भी नहीं है, जितने पोलराइज्ड वर्ल्ड में है, एक पर्टिकुलर लीनिंग वाले लोगों को लग सकता है कि देखो ये तीनों तो पर्टिकुलर लीनिंग नहीं,
आप बोलिए राइट विंग मर्दों को, ठीक है, राइट विंग, राइट विंग मर्दों महिला यार मतलब है, रिग्रेशन है, मतलब मतलब सेकंड सेक्स में भी रिग्रेशन है, वो जिन भी वजह तो अलग डिबेट में हम लोग चले जाएंगे, बिल्कुल अलग, मैं वापस ले ले रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही हम अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूँ कि राइट विंग के लोगों में इस तरीके की, उनके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि तीन मॉडर्नली ड्रेस, जो मॉडर्न ड्रेस अभी है, तो तीन मॉडर्नली ड्रेस्ड महिलाएं जो हैं, जो उन जो अभी रिग्रेसिव बताया जा रहा है, वो रिग्रेसिव ड्रेसिंग को डिफेंड कर रही हैं, तो इसी पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। ये सवाल मैं वही बोलूँ कि ये जो सवाल है, ये दो बाइनरीज क्रिएट, जो ड्रेसिंग का ड्रेसिंग सेंस है वो दो बाइनरीज में बटा हुआ नहीं है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव। जो इसका एक पहलू है वो है चॉइस। तो मैं बुरखा पहन, मैं आज बुरखा पहन लूँगी तो क्या मैं रिग्रेसिव हो जाऊँगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस गांव से, मतलब जिस जगह से मैं आता हूँ, कस्बा है, तो कस्बे में को पता है कि वहाँ जो महिलाएँ हैं वो उनका राइट उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता, मतलब घूंघट उनकी, मतलब आप लोग अर्बन स्पेस में हैं और मतलब आपके राइट्स, आप जिस तरीके से खुद को अजर्ट करती हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड बस, लेकिन वही वाली बात है, ये ना नीचे ट्रांसलेट नहीं होता। तो वहाँ जो आप कह रही हैं कि उनका चॉइस बुरखा हो सकते हैं, घूंघट, वो प्रैक्टिकल रियलिटी है नहीं वहाँ पे। मैं समझा पा रहा हूँ आपको, अब आप रिस्पॉन्ड करें। इसको लेकर मैं आपको बता दूँ, अगर आप घूंघट की बात करें, अगर वो महिला स्कूल जाएगी और वो जानेगी कि उसको घूंघट नहीं पहनना है, ठीक है, अगर वो एक एजुकेशन स्पेस में है कि उसमें उसको पता चल रहा है कि उसको अपने अपने शरीर को ढकने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से उसको जिस तरीके से पूरी सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट किया है उसके दिमाग में, ठीक है, तो वो नहीं पहनेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद अगर उसने ये चॉइस ली है कि वो फिर भी अपने सर को ढकना चाहती है, वापस यही बात हो जाती है कि नीचे है। आप लोग जैसे, आप कहाँ से आती हैं, एक सेकंड, आप कहाँ से आती हैं? कस्बे की बात कर रहे हैं ना, मैं मेरे गाँव की बात, वहाँ पे आप जाती हैं तो आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ पेट्रियार्की होती है, आपका चॉइस कितना अजर्ट कर पाती, और आप कर पाती होंगी तो आपके घर की जो अन्य महिलाएं हैं या सोसाइटी में अन्य महिलाएं, वो आपकी जितनी इम्पावर्ड हैं वहाँ पे। देखिए, मैं अब इस पे आप बात करती हूँ, जो मेरे घर में जो न्यूली मैरिड जो महिला एक आई है, ठीक है, मान लीजिए वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, उन्होंने स्कूल में कदम नहीं रखा है, लेकिन वो पल्लू करती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको बताऊं कि देखिए आप पल्लू मत कीजिए, ठीक है, तो वो सवाल करेगी कि क्यों भाई, क्यों पल्लू ना करो, लेकिन आप ये उसे आप उसे अटैक नहीं करेंगे ना इस बात पर लेकर, ठीक है, कि आप पल्लू मत कीजिए, आपका कोई अधिकार नहीं है पल्लू करने का, इस घर में आप घुस नहीं पाएगा अगर आपके सर पे पल्ला है तो। ये मुझे समझ नहीं आता, ये कौन डिसाइड करेगा? और स्पेशली वो आप जब इसको इस चीज़ से जोड़िएगा कि मेरे घर में कोई मेल अथॉरिटी ये डिसाइड नहीं करेगी कि मेरे घर की जो वुमेन है वो क्या पहनेगी, समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से उस कर्नाटका में भी उस कॉलेज का प्रिंसिपल ही डिसाइड नहीं करेगा कि उसके स्टूडेंट क्या पहनेगी। जब इस कैंपस में सरस्वती पूजा होती है, ठीक है, तब तो आपको नहीं लगता कि नहीं नहीं ये तो सेक्युलर है, आप क्यों आप प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप अगर स्टूडेंट ये पढ़ने के बाद उस सरस्वती पूजा में खड़ा होता है तो हम कॉलर पकड़ के उसको खींच के नहीं लेके आएंगे कि नहीं आप वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट पढ़ा सोशल मीडिया पर, कुछ मामलों में हो सकता है कि ऐसा होता है कि जो घर में है, घर में जो मेल मेंबर्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो ये चाहते हो कि अगर तुम बुरखे में नहीं जाओगे तो तुमको हम जाने ही नहीं देंगे, तो उसका पहला बैरियर, तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा कि मतलब उसका पहला स्टेप तो ये कि ये बैरियर तोड़ूं ताकि मैं बाद में जब एम्पावर्ड हो तो अपनी चॉइस ले सकूं। ये है लेजिट आर्ग्यूमेंट लगता है ये? हाँ, तो तब हम उस महिला के साथ खड़े रहेंगे कि उसको बुरखा नहीं पहनना है। रियलिटी की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसा बहुत घरों में होता है कि उनको नहीं भेजा जाएगा कि अगर वो बुरखा में नहीं जाएंगी तो, वो एजुकेशन राइट उनको, अगर हम वहाँ पे, सबसे बड़ी बात है लिबरेशन इम्पोजिशन नहीं हो सकता। इम्पोजिशन से आप लिबरेट नहीं कर सकते किसी को, वो अंदर से आना चाहिए, ऑटोनॉमी अंदर से आती है, राइट। प्रोग्रेसिव आइडियाज़ भी यहाँ से आएंगे, कपड़ों से नहीं आएंगे। तो आप जब उनको एजुकेशन हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस, हमको एक जगह देते हैं जहाँ पे हम क्रिटिकली सोच सकें, हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सकें, तो जब आप उनको वो स्पेस डिनाई कर रहे हैं तो आप उनको वो लिबरेशन भी डिनाई कर रहे हैं। तो लिबरेट करने की जगह पे मतलब उल्टे रास्ते पे ले जाना होगा, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, राइट। ठीक है, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है जो यूथ के मन की बात है बुरखे के ऊपर। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, सारे सवाल पूछे हैं। हम उन महिलाओं के साथ भी स्टोरी करने वाले हैं जो बुरखा पहनती हैं, उनसे भी समझेंगे सवाल करके कि उनके इस पूरे इशू को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिलहाल हमने जो ड्यू की कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े, उनसे इस इशू पर बात की है। उधर एवीपी का प्रोटेस्ट है, हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया, हालांकि वो इस पर बात करने के लिए राजी नहीं। मैं इंसिस्ट करूँगा ताकि स्टोरी में एक बैलेंस है, उनका जो पूरा आइडिया है इसके ऊपर वो भी निकल के आए। अगर वो बात करते हैं तो उनका साइड भी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।